मेरी तरफ से सभी को राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंत्र से आज दर्शन का 282 डेज यानी 282 दिन हो गए हैं। और आइए हमारे साथ कुछ एक्समैन जो हैं वो आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये हैं हमारे सुबदर मेजर सुरेंद्र साहब जी। राम राम। राम राम साहब, आप बताइए सर कि जनता को क्या क्या संदेश देना चाहते हो सुबह की मॉर्निंग न्यूज में। मेरा सुबह सुबह सभी हमारे देशवासियों को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। पूरे देश के एक सर्विसमैन सभी लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया। 25 नवंबर को जो हमने रोल रोको आंदोलन का किया था, वो प्रोग्राम काफ़ी हद तक सफल रहा। सरकार की नज़रों तक, सरकार के वहाँ तक हमारी जो डिमांडें हैं उनको पहुँचाने में पंजाब के गवर्नर साहब ने काफ़ी हेल्प किया, और इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। और हमारी ये डिमांड सरकार तक पहुंच रही हैं। जैसे पूरे हिंदुस्तान के सभी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ के आ रही हैं और एक होने की भी संभावना व्यक्त कर रही हैं। और हम तो भगवान से आशा करते हैं और आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि सारी संस्थाएं इकट्ठी होके, चाहे कोई भी आके लीड करो, सब एक दूसरे को साथ दो और जो भी प्रोग्राम है सब इकट्ठे होके करो। हमारी मेन मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड सीनियर जजों की कमेटी बिठाई जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं कि हमने 90,000 करोड़, 75,000 करोड़, 70,000 करोड़ भूतपूर्व सैनिकों को दिया है, तो हम तो न तो सरकार से अभी कैश मांग रहे हैं, ना ही पेंशन बढ़ाने की मांग रहे हैं, हम अपना सम्मान और अधिकार मांग रहे हैं। अगर ये 3 सीनियर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, उस पर स्टडी करेगी और वो अपनी फाइनल जो रिपोर्ट बना के हम जो देगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको ये क्लियर कट जानना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उस चीज़ की कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जवानों, JCOs को, रिटायर्ड को क्या दिया, कितना दिया। और अभी ये रेल रोको आंदोलन भी सिर्फ ये सांकेतिक था, जैसे हमारा 282वां दिन शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना चल रहा है। हम सब लोग एक अनुशासित जीवन, अनुशासित कार्रवाई करने वाले लोग हैं, उसी तरह से करेंगे। हमारा सरकार से कोई ना तोड़फोड़ का इरादा, ना किसी चीज़ का। हम तो हाथ जोड़ के अपनी जो जायज मांगे हैं सिर्फ वही सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं। और सारे देश के फौजियों से, एक्स सर्विसमैनों से हमारी गुजारिश है कि सब लोग प्रोग्रामों में इकट्ठा सामूहिक होके जो सरकार को शक्ति प्रदर्शन संख्या में चाहिए वो करें, और सरकार से हम अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करें। अभी जैसा सुनने में आया है कि जनरल सतवीर साहब अभी कह रहे हैं कि हम रेल रोको आंदोलन का भी हमने समर्थन किया और हम उनका किसी तरह का कोई भी जो आंदोलन होगा उसका पुरजोर समर्थन करेंगे, लेकिन सतवीर साहब से यही गुजारिश है कि जैसा पहले समर्थन किया वैसा न करें। अगर करना ही चाहते हैं तो खुल के और बता के करें, जो ग्राउंड में दिखना चाहिए, ऐसा न हो जैसे पहले दिया और बाती का मेल तो होता नहीं है, नाम तो दिया का ही होगा लेकिन बाती और तेल जलता है। तो जनरल सतवीर साहब से यही गुजारिश है कि सिर्फ दिखावे वाला पहले वाला ना करें, अगर करना ही चाहते हैं हम भूतपूर्व सभी सैनिकों के लिए, तो वो खुल के आके बोलें और बताएं और उसको कराएं सरकार के सामने। जो मैन हमारी मांगे हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा के और उसका पूरे का पूरा किया जाए। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सभी साथियों को जय हिंद और पूरे देश को जय हिंद, वंदे मातरम। ये है वालदर विजय जी। विजय सर, राम राम। राम राम सर, आप बताइए थोड़ा विस्तार से, क्योंकि सतवीर सिंह साहब ने पहले भी आपकी पीठ में जो है वो सुरा घोपा था, तो ऐसा ना हो कि अभी आपके पेट में घोपे, इसलिए कुछ जनता को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो बता रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताओ थोड़ा। सतवीर साहब ही नहीं, हमारे नेशनल प्रधान प्रगट सिंह साहब ने जो है सभी संस्थाओं को भी बोला था कि आइए आइए। देखिए, दब संस्थाओं और सैनिकों में एक डर सा था कि
कि भाई कहीं पुलिस हमें गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी, कहीं हमारे को लाठी चार्ज तो नहीं, पेंशन बंद है, हाँ, लोग बोलते थे कहीं आपकी पेंशन तो नहीं बंद हो जाएगी। देखिए साहब, मैं फिर आपको एक चीज से रूबरू कराना चाहता हूँ, आप कोई तोड़फोड़ करने नहीं जा रहे हैं, हमारा रेल लोको आंदोलन भी कोई तोड़फोड़ करने के लिए नहीं था। देखिए, सरकार आई, वहाँ आई, बैठी, बात की, तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से यही बोलना चाहूँगा, अपने मन में संशय ना पालें कि कोई आपको कोई कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, हमारी गिरफ्तारी नई दिल्ली में भी हुई, क्या किसी को कुछ कहा गया? क्योंकि हम एक अनुशासित जीवन जीते आए हैं और आगे भी जिएंगे। जब तक आप सरकार की संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप नुकसान करेंगे तभी आपको कुछ कहा जाएगा, और हम तो नुकसान करते ही नहीं किसी का। हमारा मांग क्या है? 3 रिटायर्ड जजों की सुप्रीम कोर्ट के, जिसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करें, और जो सतवीर साहब ने कहा उनके मन में भी संशय था, वो भी पहले यही कह रहे थे लोगों को ये भाई इनके साथ नहीं जाना, ये तो 4 आदमी बैठे हुए हैं, चार आदमी बैठे हैं, इनकी जो है किसी ने भड़का दिया। क्योंकि मैं अमूमन यही रहता हूँ और सामने उनका मंच लगा था, तो इसी सामने मंच पे ऐसे भाषण दे रहे थे। देखिए जनाब, आप हमारे अफसर रहे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमें सेना नहीं सिखाती कि हम किसी का बुरा और अहित करें, क्योंकि हम हित के लिए ही जाते हैं, चाहे वो देश का हित हो चाहे नागरिकों का हित। तो साहब देखिए, अब आप जो इधर आए हैं, ये संशय तो मिटा दिया हमने लोगों का कि हम रेल नहीं रोक सकते। हमने रेल 14 घंटे रोक के दिखाई है, 147 गाड़ियां जिनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं, और 40 जो ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें, वो बंद कर दिए गए हैं। हमारा मकसद सरकार को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, ना ही हम चाहते थे सरकार को हम नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारा मकसद एक ही था, सेना को टारगेट मिलता है, कैप्चर करना है पोस्ट को। हम नई दिल्ली नहीं कर पाए तो हमने शंभू जाके उसको कैप्चर किया, लेकिन हमने किया, हमने पूर्व सैनिकों के मन से ये विचार निकालना जरूरी था हमें कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और मैं सतवीर साहब को यही बताना चाहूँगा कि साहब पहले की तरह ना करें, अगर किसी भी संस्था से जुड़ना है तो मन से जुड़ना है। आप ही कहा करते थे मेरे जवान मेरे जवान मेरे जवान, ये आपसे दूर किस लिए हुए हैं? ये दूर भी आपसे इसीलिए हुए हैं कि आपने अपने जवानों का अहित कर दिया, आपने कुछ अपने ही, हम ये नहीं कहते कि वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, आज भी कहते हैं कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने छोटों का ख्याल नहीं रखा, हमारे बड़ों ने छोटों का ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप पे विश्वास करना मुश्किल हो गया है। अगर आप हमारे साथ हैं तो दिखना चाहिए, प्रमाण मिलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि टांग खींचे जाए। अभी भी लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि दूर दराज इलाकों में किसी को पता नहीं। देखिए साहब, युग पाषाण युग में नहीं जी रहे हैं कि किसी को पता नहीं, और रेल रोको आंदोलन उनको पता नहीं। आप आज जो है ना युग, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है आज, और ये कहते हैं कि हमें उन दोनों का मालूम नहीं है। अरे इनकी समझ पे तो क्या ही कहें, और दिखाते भी ऐसे हैं। तो मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं, ज्यादा कहना। ये थे हमारे वालदर विजय जी और सुरेंद्र कुमार साहब, इसी के साथ मैं जनक फौजी और जंतर मंत्र का नजारा भी देख लीजिए। ये फोर्स लगी है पूरी, और जंतर मंत्र अभी फिलहाल पूरा खाली है, और इसके बाद जो है वो किसान आने वाले हैं, अभी देखना उनकी रैली जब आएगी जहाँ पर, तो कितना जो है वो रौनक मेला होगा। लेकिन हमारे एक्स मैन हैं कि वो इकट्ठे ही नहीं होते हैं, अगर इकट्ठे होते भी हैं तो वो कुछ संस्थाएं जो बना रखी हैं, वो संस्थाएं सिर्फ चाय पकौड़ा खाने के लिए हैं, जवानों का काम करने के लिए नहीं है। कभी बोलते हैं रेल नहीं रोकनी चाहिए, कभी बोलते हैं फलाने, अरे अगर हम एक मतलब 10 महीने से सिर्फ बैठे हुए हैं,
और सिर्फ 3 जजों की कमेटी की डिमांड कर रहे हैं तो क्यों नहीं गवर्नमेंट देती? क्योंकि उसको पता है अगर हम कमेटी दे देते हैं जजों की तो जज जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और हमारी कुछ संस्थाएं जो राजनीति की गोद में बैठी हैं, कुछ अफसरों की गोद में बैठी हैं, मेरी तरफ से तो ये सबको कहना चाहता हूं कि जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं वो उनको छोड़ दो, वो किसी काम के नहीं हैं, वो सब ऐसे ही हैं आपके सिर्फ चाय पकौड़ा खिलाने के लिए, पैसे ठेरने के लिए, और ये इसीलिए उन्होंने ये संस्थाएं बना रखी हैं, किसी का भला नहीं करते हैं। आज दिन तक उन्हें किसी विधवा की पेंशन नहीं लगवाई है, किसी की पेंशन में अगर गड़बड़ी है तो अभी तक नहीं लगवाई, तो संस्थाएं बनाई किस लिए हैं? चाय पकौड़ा खाने के लिए। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वो जंतर मंतर में आए और एक होकर के अपनी मांगों को जो है बनवाया जाए। इसके साथ जय हिंद जय भारत इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भारत।